आता हूँ यहाँ पे। मैं जब एक बार सीवी साइन लेके आया था, चला रहा था, तो एक अंकल को मैंने ठोक दिया था बहुत ही ज़बरदस्त। और सैटरडे देखिए यहाँ पे मार्केट लगती है शिवाजी पार्क में। सो यहाँ पे ऐसी कोई मैं तो ये देखिए ये जिम है अपने राइट में, अभी बंद है फिलहाल, 4 बजे के बाद खुलेगी। सिग्नल तो मेहरबान है भाई, मगर लोग गाड़ी धीरे धीरे चला रहे। तो ये मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे मुंबई और इंडिया का पूरा टूर करना है, तो करेंगे भाई। हेलो नमस्ते, सलाम वालेकुम, केमोनाचो कसा का, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों पिछला व्लॉग तो बड़ा ही धमाल था, उसमें वॉइस एकदम क्लियर आ रही थी। हेलमेट में जो मैंने माउनो का माइक फिट किया था इस तरफ में, मतलब वो पैडिंग यहाँ रहती है और एकदम किनारे मैंने सेट करके रखा था, बहुत ही मस्त आवाज़ आ रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के। और ऐसा ही व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो आज मैं जाने वाला हूँ परेल, तो वहाँ पे आपको सिद्धि विनायक मंदिर दिखाऊँगा। मुंबई की फेमस है भाई, फेमस मंदिर है, आपको वो दिखाऊँगा मैं। जस्ट रोड पे ही है, मतलब जो रास्ता गया है, जो रास्ते से मैं जाऊँगा वो रोड पे ही है सिद्धि विनायक मंदिर। सो आप लोगों को दिखाऊँगा और दिखाने वाला हूँ आज आप लोगों को, जिस रास्ते से मैं जाऊँगा शिवाजी पार्क, तो वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बने रहना व्लॉग में, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मुंबई एक्सप्लोर करेंगे अपनी बाइक से, मोटो व्लॉग करके आप लोगों को दिखाएंगे। सो बस दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों आ गया हूँ नीचे और ये खड़ी अपनी बाइक और ये जा रहा है एजाज मेरा दोस्त। तो मैं निकलता हूँ फटाफट से और मिलता हूँ आपसे। क्या बोल रहा है एजाज? और ये देखो ये इमरान भाई है, चलते फटाफट से और क्या, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट देते। चलो निकलते हैं फटाफट, वहाँ से शूट करना है। एक्चुअली मुझे वीडियो शूट करने जाना है वर्ली, तो शूट करते हैं और शूट करके आते हैं। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने घर से और एक ये रास्ते से जा रहा हूँ, यहाँ से निकलूँगा हिरानी होटल की तरफ से। हिरानी होटल एक फेमस होटल है हमारे एरिए में, तो वहाँ से निकलूँगा। और यहाँ पे भी वैसा ही है भाई कि धीरे धीरे चलाओ वरना कोई भी सामने से आ जाता है। तो इस जगह की मैं एक आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर मैं जब एक बार सीवी साइन ले कर आया था, चला रहा था, तो एक अंकल को मैंने ठोक दिया था, बहुत ही ज़बरदस्त ठोका था। बाकी गलती वो अंकल की ही थी ज़्यादातर, क्योंकि भाई ये रोड है 40-50 पे चलने वाली, अब इस पर 10-20 की स्पीड में यहाँ वहाँ करेंगे तो क्या होएगा। चलो थोड़ा भगाते, ज़बरदस्त भाई, पावर तो एक नंबर है, एक नंबर पावर फील होती है एनएस में। इसकी क्लच प्लेट मैं चेंज करा दूंगा ना तो और मज़ा आ जाएगी भाई, और ज़बरदस्त मज़ा। और मुझे लग रहा है ऐसा कि ये विंड कटर है ना जो मेरा, वो थोड़ा सा है ना मज़ा नहीं आ रही है, इसको पहले सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे रुक के। तो दोस्तों देखिए सामने ही अपने शिवाजी पार्क का गार्डन है और यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते, बहुत बड़ा ग्राउंड है भाई। और यहाँ पे मैं पहले जिम भी आता था, शायद से अपने चैनल पे आप लोगों ने देखे होंगे व्लॉग आया है। और सैटरडे देखिए यहाँ पर मार्केट लगती है शिवाजी पार्क में। सो यहाँ पर ऐसी कोई बाज़ार नहीं है, खाली ये सैटरडे को ही लगती है ये सब बाज़ार, भाजी वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ पे आपको मिलेगी। मगर ये मतलब यहाँ पे आसपास में कहीं नज़दीक में भाजी की दुकानें नहीं है, वेजिटेबल्स मार्केट नहीं है, तो यहाँ पे सैटरडे लगती है, इन लोगों को सैटरडे अलाउ है। और यहाँ पे जिम भी आता था, अपने चैनल पे देखे रहोगे यहाँ पे जिम आता था मैं तो। ये देखिए ये जिम है अपने राइट में, अभी बंद है फ़िलहाल, 4 बजे के बाद खुलेगी। तो हम लोग आते थे रात के टाइम आते थे। और ये काफ़ी बड़ा गार्डन है भाई, पहले यहाँ पे क्रिकेट खेलने भी आते थे, मगर अब जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे अभी क्रिकेट वगैरह का मन ही नहीं लगता है खेलने वेलने का, तो अभी बंद हो गया, अब नहीं खेलते क्रिकेट वगैरह। तो ये था शिवाजी पार्क और उसके बाजू से ही एक रोड गई है, वहाँ से हमें को जाना है। रोड का एकदम परफेक्ट नाम तो मुझे मालूम नहीं है क्या है, बाकी सिद्धि विनायक से होते होते ही जाएंगे हम लोग, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। फाइनली सिद्धि विनायक आ चुके हैं हम लोग, सिद्धि विनायक मंदिर। ये सिग्नल पे ही है, जस्ट ये सिग्नल क्रॉस करके इसके बाजू से ही गेट है। और ये देख लीजिए भाई, मुंबई की फेमस सिद्धि विनायक मंदिर। सो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो इजीली। ये देखो अभी मुझे यहाँ से आगे जाना है थोड़ा सा, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ जाना है।
ज़बरदस्त। पहले मैं लॉकडाउन में ना इलेक्ट्रिशियन का काम करता था गाइस, तो मैं यहाँ पे एक क्रोमा मॉल है वर्ली में, तो वहाँ पे आता था काम करने के लिए। मतलब कि बस कुछ काम वाम नहीं था कोरोना में, तो वहाँ पे काम चालू था तो हम लोग को आईडी बना के जाने मिलता था, तो मैं वहाँ पे आता था काम करने के लिए। तो ये सब काम भी किए हैं, डिलीवरी मारे हैं, ऑर्डर मारे हैं, फूड डिलीवरी किए हैं और इलेक्ट्रिशियन का काम किए हैं, तो ये सब करना पड़ता है, ये लाइफ है भाई। ये देखो सिग्नल है, अपने को यहाँ से लेफ्ट लेना है और निकलना है फटाफट से। ये वन वे ही हो गया, पहले वहाँ से स्ट्रेट रास्ता था, अभी इसको काट के यहाँ से कर दिया है कुछ काम वाम चालू होने की वजह से। ज़बरदस्त है भाई, मतलब दो रास्ते हैं यहाँ पे, दोनों को वन वे ही कर दिया है और खाली खाली बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड है, मज़ा आती है। ये देखिए यहाँ पे अभी आगे ही, थोड़ा ही आगे यहाँ पे अपने को वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, क्रोमा मॉल वर्ली का, और उसके ही पहले एक गली गई हुई राइट में, मैं वहाँ पे अंदर ओबराय थी, ओबराय में काम करता था भाई, जो है वो है, काम करता था इलेक्ट्रिशियन का। मेरे कोई दोस्त लोग के थ्रू मैं लगा था वहाँ पे, मैं वाला कुछ नहीं है, बैठे बैठे घर पे क्या कर रहे हैं, तो इससे अच्छा अपन वहाँ पे काम ही कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये सिग्नल दिख रहा है, यहाँ से राइट मारेंगे ना अंदर ओबराय है, और वहाँ पे करता था मैं, और मुझे अभी यहाँ से स्ट्रेट जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आवाज़ अच्छी ही आती हो भाई। अब अपन नए नए हैं मोटो व्लॉग में, अपने को इतना आइडिया है नहीं कि कैसी क्या है, अब धीरे धीरे ही इंसान को समझ में आएगा, धीरे धीरे ही करते करते ही समझ में आता है कि क्या कैसा करना चाहिए। सिग्नल तो मेहरबान है भाई, मगर लोग गाड़ी धीरे धीरे चला रहे। सही है भाई, बहुत तगड़ा। और ये सब एरिया में आओगे ना भाई, ये मतलब माहिम से अपना साउथ बॉम्बे जैसा चालू हो जाता है, जहाँ तक का मुझे मालूम है। तो फाइनली दोस्तों अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब है, राइट मारो और सीधा सीधा चलते जाओ, आगे एक मस्जिद आएगी, बस उसी के पास में ही है अपना डेस्टिनेशन। मैं जा रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए, वो अपने दूसरे चैनल पे आ जाएगी, उस चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोग को कोई भी चीप प्राइस में ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए हो तो आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि इस चैनल पे मैं, जिस चैनल पे ये व्लॉग देख रहे हो आप लोग, इस पे पहले डाला करता था मगर अब उस पे नहीं डाल रहा हूँ। तो बस भाई इस पे अपने पर्सनल कंटेंट आएंगे, अपनी पर्सनल वीडियोस आएगी, घूमने फिरने की व्लॉग्स आएंगे, और दूसरे वाले चैनल पे जो भी है प्रमोशंस की वीडियो वो आएगी। बोलो भाई, मैं इतने, मेरा बचपना मुंबई में गया है, मैं पैदा मुंबई में हुआ हूँ, मगर आज तक का मैं इतना ज़्यादा मुंबई घूमा नहीं हूँ। तो ये मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे मुंबई और इंडिया का पूरा टूर करना है, तो करेंगे भाई। बस पहुंच गए, तो फाइनली दोस्तों वीडियो शूट करके हो गया है और रात के हो गए हैं 7:30-8 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, तो अब मैं GoPro नहीं लगाऊंगा अपने हेलमेट में और अभी निकलता हूं घर पे और पहुंचते हैं। ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।